प्रेगनेंसी में 7वें महीने में बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बेबी के कौन कौन से अंग बन जाते हैं और माँ को कैसा फील होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल। 7वें महीने में 25 वीक्स, 26 वीक, 27 वीक्स और 28 वीक्स आ जाते हैं। ये थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें महीने लगता ही शुरू हो जाता है। जब 7वां महीना शुरू होता है तो उसमें बेबी का वजन 600 ग्राम के करीब होता है, 600 से 650 ग्राम के करीब होता है। लेकिन 7वां महीना ख़त्म होते होते बेबी का वजन 1000 ग्राम यानी 1 किलो के आसपास हो जाता है। तो जब 7th मंथ कंप्लीट होता है तो बेबी का वेट 1 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। जब माँ ये सुनती है कि उसके बच्चे का वजन तो 1 किलोग्राम है तो बहुत चिंता करने लगती है और कहने लगती है ये तो बच्चा बहुत कमज़ोर है। लेकिन वेट गेन होता है वो लास्ट के 3 महीने में ही होता है, 7th, 8th और 9th मंथ में होता है। 7th मंथ तक आते आते बेबी का वेट 1 kg हो जाता है और 8th मंथ ख़त्म होने से पहले बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के करीब हो जाता है। और जब 9वां महीना ख़त्म होता है तो बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। तो जो बेबी की ग्रोथ होती है वो लास्ट के 3 महीनों में ही होती है। 7वें महीने में बेबी की ग्रोथ होने लगती है और बेबी अपनी ग्रोथ लेता है। तो बेबी की जब ग्रोथ होती है तो यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता है। यूट्रस का साइज़ जब बढ़ता है तो माँ का पेट भी दिखाई देने लगता है और माँ का बैली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन भी स्ट्रेच होने लगती है और स्किन में स्ट्रेच मार्क पड़ने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क तो 6वें महीने से ही पड़ने लगते हैं लेकिन 7वें महीने में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं, रेड और डार्क कलर के हो जाते हैं। बेबी का वजन बढ़ने की वजह से माँ का जो पोस्चर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि सारा प्रेशर स्पाइनल कार्ड पे आता है। तो इसकी वजह से माँ को बैकिक की प्रॉब्लम हो सकती है और फैटिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। माँ इस समय थकी थकी सी महसूस करती है और माँ के पेट के निचले हिस्से में जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ सकती है। किसी किसी प्रेग्नेंट महिला को 7वें महीने में वेरिकोस वेन भी दिखाई देती है जो कि नसों में सूजन कहलाती है। 25 वीक्स पे आपका बेबी 13 से 14 इंच लंबा होता है और उसका वेट 600 से 650 ग्राम के लगभग होता है। इस समय बेबी की बॉडी में फैट डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। बेबी के शरीर पे भी फैट डिपॉजिट होता है और जो अंदरूनी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उसके चारों तरफ बिसरा में फैट डिपॉजिशन शुरू हो जाता है, फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। 26 वीक पे बेबी करीब 14 इंच लंबा होता है और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 750 ग्राम होता है। 26 वीक पे बेबी के लंग्स यानी फेफड़े बन जाते हैं, परंतु ये अभी काम अपना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद लंग अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस समय लंग्स पूरे बन जाते हैं और लंग्स के जो सेल्स होती हैं, टिश्यू होती है, वो एक प्रोटीन को सीक्रेट करते हैं जिसे सर्फेक्टेंट कहते हैं। अब ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है जिसे एल्वुलाई कहते हैं, इनको आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे कि बेबी जब पैदा हो और जब बेबी सांस ले तो ये लंग्स एक्सपेंड कर सके। तो ये जो एल्वुलाई होते हैं उनको आपस में चिपकने से रोकता है और ये एल्वुलाई के चारों तरफ इनका सीक्रीशन होता है। तो इस समय लंग्स बंद तो पूरे जाते हैं लेकिन इनका फंक्शन जन्म के बाद ही शुरू होता है। अगर किसी कारणवश माँ की प्री मैच्योर डिलीवरी, मतलब टाइम से डिलीवरी पहले हो जाती है और बेबी 7 महीने में डिलीवर हो जाता है, तो लंग्स इस समय बन चुके होते हैं तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बेबी को NCU में रख के बेबी को हम बचा सकते हैं। और इस समय बेबी 7वें महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। इस समय बेबी की हियरिंग डेवलप होने लगती है और बच्चा पूरी तरह से बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है। इस समय बच्चा माँ की आवाज़ को पहचान लेता है
और बाहर जब कोई लाइट या साउंड पड़ती है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर माँ के पेट के जस्ट सामने कोई लाइट का एक सोर्स रख दिया जाए तो बेबी उस समय मूवमेंट करने लगता है और उसकी बेबी की पल्स रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जब बेबी मूवमेंट करता है तो उसकी पल्स रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जिस तरह से हमारा हम कोई एक्टिविटी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं तो हमारा भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसी तरह से जब बेबी मूवमेंट करता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। 27 वीक्स पे बेबी पहली बार अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद अपनी पलकों को बंद कर सकता है और खोल सकता है। तो जैसे ही बेबी अपनी आंखें खोलता है तो जो लाइट होती है वो उसके पोस्टियर सेगमेंट यानी रेटिना तक पहुंचती है और उस पर इमेज बनने लगती है और धीरे धीरे रेटिना का डेवलपमेंट भी होने लगता है। तो इस समय बच्चा अपनी मर्जी से अपनी आंखें बंद कर सकता है और खोल सकता है। और इस समय तक बच्चे का सोने का भी एक टाइम हो जाता है, सोने और जागने का एक टाइम पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब वो अपने टाइम के हिसाब से सोता है और जागता है। 28 वीक्स पे बेबी की लेंथ 16 इंच के आसपास हो सकती है, 16 टू 17 इंच होती है और उसका वेट 900 टू 1000 ग्राम के करीब होता है। 1000 ग्राम मीन्स बच्चे का वजन 1 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। 28 वीक्स पे बेबी का ग्रास्प रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। ये कौन सा रिफ्लेक्स होता है? ये एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होता है जिसे पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स कहते हैं। पाम मींस पाम और ग्राफ मींस होल्ड करना। तो बेबी अपनी फिंगर्स को फिंगर से कुछ भी होल्ड कर सकता है, अपनी फिंगर को क्लोज कर सकता है और ओपन करता है और खेलते खेलते उसके हाथ में जो भी आता है उसको वो पकड़ लेता है। जैसे बच्चे के चारों तरफ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो लिपटी हुई होती है, उसको कार्ड को वो अपने हाथ में पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद खोल भी देता है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।